Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine. So students, आज हमारा physics का third lecture है. Previous lecture में मैंने आपको physics की branches की types बताई थी और मैंने कुछ आपके साथ branches discuss भी की थी. मैंने आपको physics की branches बताई थी. मैंने आपको कहा था कि आपके पास physics की 9 branches होती हैं, जिसमें से मैंने आपके साथ सिर्फ 4 discuss की थी in previous lecture. आज हम physics की remaining branches discuss करके अपना branches of physics का topic फाइंड अप करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करेंगे अपनी रिमेनिंग ब्रांचेस से. हमारे जो ब्रांचेस अब रह जाती हैं उनमें आती है आपके पास फिफ्थ पे एटॉमिक फिजिक्स. ठीक है, रिमेनिंग लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 1 to 4 ब्रांचेस समझाई थी और हमने डिस्कस किया था उनके बारे में. आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फिफ्थ ब्रांच से जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स. ठीक है, बात करेंगे एटॉमिक फिजिक्स की. यहाँ आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई, इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम. इसमें हम एटम की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. लेकिन एटम को स्टडी करने के लिए सबसे पहले कहा गया था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. ठीक है, मैं यहाँ एटम की पहले बात करूँ क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे एटम की बात हो रही है. तो एटम की मैं आपके साथ बात करूंगी. एटम को स्टडी करने के लिए सबसे पहले कहा गया था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. मतलब अगर एटम को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता तो उसके आगे फर्दर स्टडी चाहिए ही नहीं. क्योंकि जब उन्होंने ये बात सबसे पहले ही क्लियर कर दी थी, पहले के जमाने में तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब यही था कि एटम की फर्दर स्टडी भी नहीं चाहिए. इसलिए एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल समझा जाता था जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो बात यही है कि जब एटम को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता और इसकी स्टडी भी नहीं की जा सकती, तो एटम को हम सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते थे कि ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. इसलिए एटम की जितनी भी स्टडी होती है कि एटम जो है एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कोई शेप बना रहे हैं, तो उनके अरेंजमेंट क्या होगी, अरेंजमेंट को इसमें डिस्कस किया जाता है. बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स में एटम की स्टडी के लिए हम एटम की शेप को, एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. जैसे आपके सामने डेफिनेशन में लिखा हुआ भी है कि इसमें हमारा कंसर्न होता है उसके स्ट्रक्चर की और उसकी प्रॉपर्टीज की, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर को, एटम की प्रॉपर्टीज से हमें कंसर्न होता है. मैं भी आपको यही चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि एटम के लिए हम क्या करते थे कि उसकी अरेंजमेंट क्या होती है, उसके अरेंजमेंट को डिस्कस किया जाता है कि एटम्स को किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं. क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं एटम की हमारे पास कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं. अपने आप को ये क्यूबिक फॉर्म में भी अरेंज करता है, टेट्रा फॉर्म में भी अरेंज करता है, ऐसे बहुत सी फॉर्म्स हैं जिसमें एटम अपने आप को अरेंज कर लेते हैं. तो एटम बेसिकली अपनी अरेंजमेंट दिखा रहा होता है कि एटम हमारे पास किन किन फॉर्म में अरेंज हो सकता है. टेट्रा भी हो सकता है, उसके अलावा क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकता है. बहुत सारी फॉर्म्स में जो है एटम की अरेंजमेंट जो है हम देख रहे होते हैं. ठीक है, तो एटॉमिक फिजिक्स में जो हमारा कंसर्न होता है वो क्या होता है कि एटम की स्ट्रक्चर को देखना और उसकी प्रॉपर्टीज को देखना. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एटम जब फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता तो उसकी स्टडी भी नहीं की जा सकती, तो हम इसमें क्या देख रहे होते हैं कि एटम कितनी फॉर्म्स में अपने आप को अरेंज कर रहा है, एटम कितने स्ट्रक्चर बना रहा है, उन स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर रहे होते हैं एटॉमिक फिजिक्स के अंदर. ठीक है, ये सारी बात थी सिर्फ एटॉमिक फिजिक्स के लिए. ठीक है, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ. नेक्स्ट ब्रांच आपके पास यहाँ क्या आती है, नेक्स्ट ब्रांच आपके पास यहाँ पे है, देखते हैं आगे. एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आती है एटॉमिक फिजिक्स के पास. सिक्स ब्रांच आपके पास है न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन आपके सामने क्या लिखी हुई है, दिस ब्रांच इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लाई ऑफ एटम. इस ब्रांच में हमारा किस चीज़ से कंसर्न्ड होता है, जो आपका स्ट्रक्चर, जो आपका एटम का जो न्यूक्लियर होता है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी रिएक्शंस को देखना हम न्यूक्लियर फिजिक्स में देखते हैं. ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे एटम के बारे में बताया कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो एटम की हम सिर्फ स्ट्रक्चर देखते हैं, एटम की हम सिर्फ अरेंजमेंट देखते हैं. लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बात करेंगे तो हमें न्यूक्लियर फिजिक्स में आने के बाद हमें ये भी पता चला कि एटॉमिक फिजिक्स के बाद न्यूक्लियर डिस्कवर हुई. ठीक है, पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि एटॉमिक फिजिक्स के बाद ही न्यूक्लियर फिजिक्स डिस्कवर्ड हुई थी. क्योंकि पहले कहा जाता था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने आपको अभी एटॉमिक फिजिक्स में बताया कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात थी सिर्फ एटॉमिक फिजिक्स की हद तक.
लेकिन जब एटॉमिक फिजिक्स के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स डिस्कवर्ड हुई तो उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, पहले तो कहा गया था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जाता, लेकिन अब एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है फर्दर न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस को भी डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि पहले जो कहा गया था कि एटॉमिक फिजिक्स में एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब न्यूक्लियर फिजिक्स डिस्कवर्ड हुई तो न्यूक्लियर फिजिक्स ने ये चीज़ क्लियर करी कि एटम को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और किस में कर सकते हैं? न्यूक्लियस में ही कर सकते हैं। एटम को आप फर्दर न्यूक्लियस में डिवाइड कर सकते हैं, और न्यूक्लियस को भी आप फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस को भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से डिवाइड किया जा सकता है, उनके अंदर फर्दर सब पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर भी आपके पास फर्दर सब पार्टिकल्स होते हैं, खाली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं, बल्कि न्यूक्लियस की स्टडी को उसमें फर्दर कितने पार्टिकल्स हैं उस पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को आप तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, और हमारे एटम पे क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या रिएक्शन होगा, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स ने ये चीज़ हमने साबित करी, ये चीज़ क्लियर करी कि एटम को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर। ठीक है, और उनको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब पार्टिकल्स में। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जितनी भी स्टडी करेंगे कि आप न्यूक्लियस की तमाम स्टडी कि न्यूक्लियस हमारे पास जो है वो कितने पार्टिकल्स हैं, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स कितने हैं, और हमारे स्ट्रक्चर पे हमारे एटम पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर देख रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियर फिजिक्स वो बात को क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक फिजिक्स के बाद ही न्यूक्लियर फिजिक्स क्यों डिस्कवर्ड हुई, कि न्यूक्लियर फिजिक्स इसलिए डिस्कवर्ड हुई कि ताकि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सके। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सेवन ब्रांच इज प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स की डेफिनेशन आपके पास क्या लिखी हुई, इट इज कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयोनाइज एटम फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ जो आपके सामने लिखा हुआ है बेयर न्यूक्लियाई, बेयर न्यूक्लियाई के बारे में पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, बेयर न्यूक्लियाई वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, आपके सामने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ भी कि वो न्यूक्लियाई जो विदाउट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेयर न्यूक्लियाई का मतलब वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मीन्स कि ये प्रॉपर्टीज ही हाई प्रॉपर्टी आयोनाइज एटम्स होते हैं। ठीक है, जो मिक्सचर होते हैं, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ भी फॉर्मिंग मिक्सचर है, किसका मिक्सचर होते हैं, ये मिक्सचर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन नहीं भी होते, इन दोनों चीज़ों का ये मिक्सचर होते हैं कि जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन भी हैं और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते उन्हें कहा जाता है बेयर न्यूक्लियर। ठीक है, और आपके सामने लिखा हुआ भी बेयर न्यूक्लियर। ठीक है, बेयर न्यूक्लियर की आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, उसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ सन से। सन से एग्जाम्पल लेते हैं, कहा जाता है कि हाई आयोनाइज एटम, सबसे ज़्यादा जो आपके सामने लिखा हुआ भी है हाईली आयोनाइज एटम, ये आपके सामने लिखा हुआ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हाईली आयोनाइज एटम। तो हाईली आयोनाइज एटम सन के अराउंड आपस में टकराते हैं। ठीक है, मैं आपको सन से इसकी एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपके पास जो हाईली आयोनाइज एटम्स होते हैं वो सन के अराउंड आपस में टकराते हैं, जिसके थ्रू बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, उस आपके आपके साथ आप देखते हैं कि सन से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है, तो एनर्जी कहाँ से क्रिएट होती है, क्योंकि वहाँ पे हाईली आयनाइज एटम्स जो होते हैं आपस में टकराते हैं, तो वहाँ से आपके पास जो है बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट होती है जिसको प्लाज्मा एनर्जी कहा जाता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो प्लाज्मा की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लाज्मा फिजिक्स में हम देख रहे होते हैं हाईली आयनाइज एटम्स की प्रॉपर्टीज़ को कि वो किस तरह से हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको एक सन से दी। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। नेक्स्ट ब्रांच आपके पास होगी बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स को देखते हैं, इट इज अ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मैटर्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, बायोफिजिक्स में आपसे कहा गया है कि इसमें हम क्या हमारा कंसर्न होता है इससे कि हम क्या देखते हैं, फिजिकल मैटर्स की एप्लीकेशन देखते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और जितना हमारा बायोफिजिकल सिस्टम होता है उसके स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि इसमें इसके अंदर फिजिक्स के डिफरेंट लॉज को देखा जाता है, जिसमें फिजिक्स के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। बायोलॉजी के अंदर जो हम डिफरेंस
बायोलॉजी के अंदर जो हम डिफरेंट लॉ और डिफरेंट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, तो बायोलॉजी के अंदर हमने जो हमारे डिफरेंट लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं, आप बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से फिर इसके लॉज और प्रिंसिपल यूज होते हैं वो स्टडी करते हैं बायो के अंदर, ठीक है। बायो के अंदर हमारे पास पढ़ा जाता है लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है, और उन लिविंग थिंग्स के ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से आप फिजिक्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, कहाँ वहाँ फिजिक्स का यूज़ हो रहा होता है, कहाँ वहाँ फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन होती है, कहाँ वहाँ फिजिक्स की एप्लीकेशन यूज़ हो रही होती हैं, कि कहाँ वहाँ फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो रहे होते हैं, तमाम चीज़ें आप देखते हैं बायो फिजिक्स के अंदर, ठीक है। बायो के अंदर जिसका बायो फिजिक्स के नाम से ये पता चल रहा है कि बायो के अंदर भी फिजिक्स है, ठीक है, एक बायो के सब्जेक्ट के अंदर भी आपके पास फिजिक्स मौजूद होती है। कहाँ मौजूद होती है, वो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिस तरीके के फिजिक्स के लॉज पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पता चल रहा होता है कि कहाँ फिजिक्स के लॉज और कहाँ फिजिक्स के प्रिंसिपल यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं बायो फिजिक्स के अंदर, फिजिकल मेथड्स देख रहे होते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं बायो फिजिक्स के अंदर। अब चलते हैं अपनी लास्ट ब्रांच की तरफ। लास्ट ब्रांच आपके पास है एस्ट्रोफिजिक्स। व्हाट इज एस्ट्रोफिजिक्स? इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। हम इसमें एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज क्या होती है? इस पूरी दुनिया में कौन कौन से प्लैनेट हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, इसके बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है। आपके आप सबको पता है कि आपके पास डिफरेंट प्लैनेट हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट हैं, बहुत से प्लैनेट्स के नाम ही आपको पता होंगे, तो उन प्लैनेट्स के बारे में कि वो प्लैनेट्स किस किस तरह से काम कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी की जाती है एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। एस्ट्रोफिजिक्स भी आपकी बहुत ज़्यादा वास्ट है, अगर मैं इसको समझाने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर कॉस्मोलॉजी भी आ जाती है जो आपकी आगे के लेवल की फिजिक्स में यूज होती है, ठीक है। लेकिन अभी हमने सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पढ़ना है, हमने सिर्फ इस ब्रांच के बारे में देखना है। तो सिंपली इसके ब्रांच के बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर हम दुनिया के तमाम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस नाम से काम कर रहा है और किस 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 प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमारी फिजिक्स की तमाम ब्रांचेस कम्प्लीट हो गई हैं। टोटल आपकी 9 ब्रांचेस थी फिजिक्स की, जिसमें से मैंने आपको सारे ब्रांचेस क्लियर कर दिए हैं। आज रिमेनिंग ब्रांच भी आज हमने डिस्कस कर ली है। होप आपको तमाम फिजिक्स के ब्रांचेस ज़रूर समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।